हेलो, नमस्कार, आदाब, कैसे हैं आप? भावना गुडफील में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नई रेसिपी और एक नया टेस्ट और एक नई खुशबू लेकर। तो शुरू करती हूँ आज की रेसिपी और मैं आज बनाने जा रही हूँ अरबी की एकदम कुरकुरी फ्राइड सब्जी, जो आपको भी पसंद आने वाली है, मुझको तो बेहद पसंद है। और अभी मैं यही बना रही थी तो सोचा कि चलो इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर की जाए। तो मैंने लिए हैं ये अरबी, तो अरबी है ये, ओके। तो मैं इनको सबसे पहले छील लेती हूँ और आज मैं आपको अरबी की बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बना के दिखाऊंगी। तो सबसे पहले हमको इसे छीलना पड़ेगा, तो मैं इसको पहले छील लेती हूँ इस तरह से। तो मैंने अपनी सारी अरबी को छील लिया है और मैं अब इनको वॉश करती हूँ। तो आ गए हैं हम अपने सिंक पर। तो सबसे पहले हम धो लेते हैं अपनी अरबी, और देखिए ये बहुत चिकनी होती हैं तो ये फिसल जाती हैं हाथों से। तो मैं इनको धो लेती हूँ पहले, और धोने के बाद में हम इनको काटेंगे। ओके, तो मैंने ये धो ली है, तो इनको धोने के बाद में मैं इनको काट लेती हूँ ऐसे गोल स्लाइस में काटूंगी इनको। तो मैं पहले इनको काट लेती हूँ और आज मैं आपको बहुत ही बढ़िया सब्जी बनाकर दिखाऊंगी इसकी, कि आप भी अपनी चाट जाएंगे उंगलियाँ। तो देखिए, तो पहले इसको काट लेती हूँ। तो मैंने इनको काट के कर लिया है कंप्लीट, और मैंने आपको दिखाती हूँ कि मैंने इस तरह के पीसेस काटे हैं। तो इनको बनाना शुरू करते हैं। तो फ्लेम मैंने अपना कर दिया है चालू, इस पे रख दी है कढ़ाई, और कढ़ाई मेरी होने वाली है गरम। तो इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल डाल देती हूँ। तो मैंने ये एक बड़ा चम्मच मस्टर्ड ऑयल डाल दिया। ऑयल हो गया है मेरा गरम, तो मैंने ली है हाफ स्पून ली है मैंने ये अजवाइन। तो अजवाइन डाल देती हूँ और इसे हल्का सा गोल्डन होने देती हूँ पहले। तो अजवाइन हो गई है मेरी हल्की गोल्डन। तो मैंने अपने ये अरबी काट के रखी थी धो के, तो मैं इनको डाल देती हूँ इसमें। और इनको डालने के बाद मैं इनको ऑयल में ही करूंगी थोड़ा सा फ्राई। ओके, तो मैं इनको फ्राई करती हूँ इसी में, और अपना फ्लेम मैं थोड़ा मीडियम रखूंगी। तो हो गए हैं 3-4 मिनट, और मैंने ऐसे ही अलटते पलटते इनको भून लिया है। तो आपको दिखा रही हूँ, देखो गोल्डन कलर इसका हो गया है। तो मैं इनको कर देती हूँ एक साइड में दरी, और इधर कर दिया है मैंने। और ये 4-5 ली है मैंने हरी मिर्च ली है, जिसको मैंने बीच में से कट कर लिया है। तो मैं इनको भी हल्का सा भून लेती हूँ। तो 2-3 मिनट हो गए हैं और मेरी ग्रीन चिली भी हो गई है फ्राई। तो मैं सबको कर लेती हूँ एक साइड में। और अब मैं ये लिया है मैंने हाफ स्पून लिया है टर्मरिक पाउडर, तो मैं डाल देती हूँ हल्दी पाउडर। और अपना फ्लेम मैंने स्लो कर रखा है, और मैं कर लेती हूँ इस सबको मिक्स, और मैं अच्छी तरह से इनको मिक्स कर लेती हूँ सबको। और अब मैं इसमें सारे अपने मसाले डाल दूंगी, और मैंने ये इसमें लिया है थोड़ा सा पानी लिया है ये करीब, तो मैं इसमें एक बड़ा चम्मच पानी डाल देती हूँ। और ये लिया है मैंने 1/4 लिया है मैंने रेड चिली पाउडर, और चौथाई चम्मच लिया है मैंने गरम मसाला, और चौथाई चम्मच ही लिया है मैंने कोरिएंडर पाउडर, धनिया पाउडर। और ये लिया है मैंने नमक टेस्ट के अनुसार लिया है, टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो नमक डाल लेती हूँ और मैं इस सबको कर लेती हूँ मिक्स। और मेरी जो ये अरबी हैं वो एकदम कुरकुरी एकदम गोल्डन हुई हैं। तो मैं अब ढक्कन डालकर इसको स्लो फ्लेम पर पकाऊंगी धीरे धीरे। और आधी तो मेरी पहले ही बन चुकी पक चुकी हैं ये, तो लेकिन थोड़ी सी अभी और पकनी बाकी हैं। तो इस पानी के थ्रू इसमें सारा मसाला ऐड हो जाएगा, अंदर तक चला जाएगा। तो मैं इसमें डालती हूँ ढक्कन, और मैं इसको स्लो फ्लेम पर कर देती हूँ बिल्कुल, और उसको पकाती हूँ ऐसे ही। तो हो गए हैं 2-3 मिनट, तो निकालती हूँ अपना ढक्कन, और देखिए खोलती हूँ अपना ढक्कन और देखते हैं क्या कंडीशन है अरबी की। देखिए इसमें से पानी जल गया है सारा, और देख लेते हैं कि ये अभी पकी है कि नहीं पकी है। और देखिए बिल्कुल गल चुकी हैं, आपको दिखाती हूँ, ये एकदम गल चुकी हैं, देखिए बिल्कुल टूट गई हैं। तो मैं इनको 2 मिनट खोल के पकाऊंगी। और पकाने से पहले ये लिया है मैंने आधा चम्मच लिया है मैंने कसूरी मेथी, और कसूरी मेथी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है इस अरबी में। तो मैं इनको खोल के अभी 2 मिनट और पकाती हूँ, और अरबी मेरी एकदम गल चुकी है, देखिए आपको दिखा देती हूँ। बहुत ही अच्छा कलर भी आया है, और खुशबू की तो कहना ही क्या है। तो देखिए 2 मिनट और पका लेती हूँ इनको खोल के। तो हो गए हैं 2-3 मिनट, और देखिए सब्जी हो चुकी है एकदम परफेक्टली रेडी।
और बहुत ही अच्छी सब्जी बनी है। नो लहसुन, नो प्याज, नो टमाटर और स्वाद में है लाजवाब सब्जी। और देखिए, आपको दिखाती हूँ पास से, और आप पास आके और देखिए, बहुत ही अच्छा कलर आया है। और इस तरह की सब्जी आप सफर में ले आ सकते हो, लंच बॉक्स में रेडी कर सकते हो, और जहाँ आपको सफर में जाना हो, बिल्कुल ड्राई सब्जी आपको चाहिए, तो इस तरह की रेसिपी बहुत काम करती है उसमें। और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा है आप मुझे जरूर बताइएगा। मैं आपके कमेंट का बहुत ही बेसब्री से इंतजार करती हूँ, लेकिन आप बहुत ही कंजूस होते जा रहे हो, कोई भी कमेंट नहीं करते हो। और प्लीज़ कोई कमेंट तो किया करो, और आपको जैसा भी लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, कोई भी कमेंट मुझे किया करो। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय। तो फ्लेम अपना कर देती हूँ बंद, रेसिपी मेरी हो चुकी है रेडी। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना रखिए ख्याल, अपनों का रखिए ख्याल, और बी हैप्पी बी हेल्दी। बाय।